मैं जोग जिला कांग्रेस कमेटी का सदस्य हूं। मैं आज जिला कांग्रेस कमेटी इस्तीफा देता हूं और पूर्व पार्षद भी हूं, क्योंकि कि कांग्रेस पार्टी के हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय सचिन पायलट जी ने इस टिकट का जो सौदा किया है, मैं इसके खिलाफ हूं। क्योंकि जब कांग्रेस पार्टी का मुख्य ही जिस पार्टी का भ्रष्ट हो, वो पार्टी आज प्रदेश को बेच रही है, कल को राहुल गांधी जी वो देश को भी बेच सकते हैं। तो मैं सभी कांग्रेसियों से कहता हूं कि ऐसी पार्टी का बहिष्कार करें जो पार्टी टिकट ले बेचती है। क्योंकि कार्यकर्ता आदरणीय राजकुमार गौड़ साहब यूथ कांग्रेस NUIC से कार्य करते हुए आज अनेकों कार्यकर्ते कांग्रेस पार्टी के लिए अपने घर, मैं गुजरात चुनाव की बात करूंगा, राजकुमार गौड़ के साथ 2 महीने में गुजरात में भावनगर में मेरी ड्यूटी रही है। राजकुमार गौड़ के साथ तन मन धन से हम, राजकुमार गौड़ ने ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के खजाने में 1 लाख रुपए चंदा दिया था, 50,000 रुपए मैंने दिए थे और 3.5 लाख रुपए राजकुमार गौड़ के 2 महीने घर से बाहर रहे। भावनगर की विधानसभा में हमारी ड्यूटी लगी थी सर, और इसके बाद 1 लाख रुपया मैंने अपनी जेब से लगाया था। ऐसी भ्रष्ट पार्टी जो कि हमारे जिसको कैंडिडेट जो कि शराब माफिया भू माफिया जो कि यूपी और बिहार का गुंडा है जिसपे अनेकों केस हैं, उसको टिकट भेज दी गई है। ये यूपी और बिहार के ठेकेदारों ने जो बोली लगाई है, उनको ये कहना चाहूँगा, हिम्मत है तो आके हमें खींच के दिखाएं। हमारे पूकर कर्मी के नेता भी खाओ है, हम भी खाओ नहीं है। राजकुमार गौड़ जिंदाबाद। गंगानगर की जनता बिकाऊ नहीं है, सचिन पायलट जी आप बिकाऊ हैं, राहुल गांधी जी। मैं इस पार्टी को जब ज्वाइन की थी, मैंने सोनिया गांधी जी को देखा था, जिन्होंने अपने घरवाले के टुकड़े देखे थे बम से जब ब्लास्ट हुआ था। मैंने इंदिरा गांधी आयरन लेडी को देखकर इस पार्टी ज्वाइन की थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू की ये पार्टी थी। मेरे को नहीं पता ये राहुल गांधी इतना भ्रष्ट है, ये सचिन पायलट इतना भ्रष्ट है। मैं आज ही DCC से त्याग पत्र देता हूँ, की पॉल इस न्यूज के माध्यम से, मैं न्यूज ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को प्रिंट मीडिया से निवेदन करता हूँ, ऐसे अध्यक्ष का बहिष्कार करे। ये उठाई गिरा प्रदेश अध्यक्ष बना हुआ है, ये पार्टी को बेच रहा है। कोई भी कांग्रेस का वोट नहीं डाल राजस्थान के निवासियों, सचिन पायलट के रूप में राजस्थान का जो प्रदेश अध्यक्ष है एक भ्रष्ट आदमी है, इसको क्या पता। अरे ये तो डर गया था हमारे सामने, भावनगर के एक होटल में राजकुमार गौड़ साहब, हमारे पूर्व MP शंकर पन्नू जी, पार्षद प्रेम नायक जी और मैं, हमारी मीटिंग चल रही थी इनके साथ। तो इसने कहा था कि मैं अजमेर से चुनाव लड़ रहा हूँ MP का, तो फिर लड़ा क्यों नहीं तू लड़ता, क्योंकि तू डर गया था वसुंधरा से, तू डर गया था मोदी से, तूने वहाँ रघु शर्मा को आगे कर दिया, तुझे तो भरोसा नहीं था जीतने का। ऐसा डरपोक सेनापति जिस प्रदेश का हो वो प्रदेश डूब जाता है। मैं राजस्थान के निवासियों से जहाँ से ये चुनाव लड़ रहा है उनसे निवेदन करता हूँ, ये भ्रष्ट आदमी जीतना नहीं चाहिए, अगर ये जीत गया तो राजस्थान को भेज देगा।